चंडीगढ़ में बोले पीएम मोदी, पहले यूपी में चलता था माफियाओं का राज, योगी सरकार में सब पहुंचे जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ दौरे के दौरान राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अलीगढ़ में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आज अलीगढ़ के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को किया याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा, मैं आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। भारतीय नौसेना ने निकाली भर्तियां, 31 सितंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। भारतीय नौसेना भर्ती 2021 आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार 21 सितंबर 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना भर्ती 2021 चयन प्रक्रिया, आवेदकों का चयन SSB साक्षात्कार पर आधारित होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 31 सितंबर 2021, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2021। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC अधिकारियों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। अधिसूचना SSC अधिकारियों के लिए 22 पाठ्यक्रम में जून 2022 में विभिन्न प्रविष्टियों में है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2021 है। 1 लाख पदों पर जल्द शुरू होने वाली है भर्तियां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य में नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य में जल्द ही 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में 1 लाख पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ उद्यमिता स्वरोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क निदेशालय ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बड़े अवसर दिए जाएंगे। अयोध्या में तिरंगा यात्रा, डिप्टी सीएम बोले, भगवान राम से प्रेरणा लेकर दिल्ली की सरकार चला रहे केजरीवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी की योगी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि हमने यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला से आशीर्वाद ले लिया है। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अयोध्या के संतों ने आशीर्वाद दे दिया है, रामलला से भी आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। पूरी दुनिया में राम राज्य की बात होती है, लेकिन राम के नाम पर बात करने वाली भाजपा अंत में क्या करती है यह सभी जानते हैं। दिल्ली सरकार भगवान राम से प्रेरणा लेकर राम राज्य के सिद्धांतों पर सरकार चला रही है और राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हमने रामलला के सामने अर्जी पेश की है। तिरंगा यात्रा लेकर राम नगरी में लोगों के बीच जाएंगे। ये यात्रा आगरा से शुरू हुई थी, नोएडा में हुई और आज अयोध्या में है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार बने जो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम करे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल पहले योगी सरकार बनाई थी। भाजपा ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, गुंडाराज से मुक्ति दिलवाएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। यूपी की जनता सभी क्षेत्रों में ठगा हुआ महसूस कर रही है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। देखिए और क्या बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपने अभियान की शुरुआत की,
तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार के 4-5 महीने बचे हैं, जो करना है कर लो। अखिलेश यादव बोले कि यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा बदल गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है, इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। महाराष्ट्र अमरावती में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 11 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में वृद्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद 3 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है, जबकि 8 की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में अमरावती में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद 3 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 8 की तलाश जारी है। अमरावती के गालेगांव इलाके में हुई घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाव में बैठे लोग घूमने के लिए आए हुए थे और संतुलन बिगड़ने के बाद नाव पलट गई। हालांकि अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक देवेंद्र वहां पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया।